नमस्कार करे लॉन्चर के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूं एक न्यूज़ जो कि है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अभी हाल ही में इसमें अमेंडमेंट हुआ है तो क्या है बदलाव लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है अब देखो वॉट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड अब आ, ऐसा हुआ होगा कि हमारी फैमिली में या हम हमें मन करता है कि हम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में अपना कुछ डोनेशन दें ताकि हमको मेंबरशिप मिल जाए या जिस तरह भी आपका झुकाव है तो कई बार ऐसी परेशानियाँ आई कि देखा गया जो इलेक्टोरल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है इस पर सवाल उठाए गए कि आखिर इनके पास ये पैसा आता कहाँ से है ये पैसा किन लोगों का है तो इसके लिए गवर्नमेंट 2018 में एक स्कीम लेकर के आई जो कि था इलेक्टोरल बॉन्ड्स दो हज़ार में इसको लॉन्च किया गया अब इसमें क्या क्या था <coughs> अब देखो इसको इशू कैसे किया गया इसको एक बॉन्ड बना दिया तो इलेक्टोरल बॉन्ड अब बोलेगा आई एम बॉन्ड जेम्स बॉन्ड सो जेम्स बॉन्ड तो नहीं बट इलेक्टोरल बॉन्ड तो इसको एक बॉन्ड बना दिया कि अब कोई भी आपको खुदरे पैसे में डोनेशन नहीं देगा आपको एक बॉन्ड के तहत डोनेशन देगा कैसे देगा कि उसको किसी भी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को मतलब आप अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो इसका ज़रूरत ये ज़रूरी नहीं है कि एज एन इंडिविजुअल आप जा के खरीदें आप भी खरीद सकते हैं आपके साथ आपका साथी भी उसमें उसको इसकी इच्छा है तो वो भी आपके साथ मिलकर के खरीद सकता है या फैमिली को भी इच्छा है कि सभी को मेंबरशिप चाहिए सभी को अपने पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा आगे बढ़ाना है, तो सभी लोग मिलकर के खरीद सकते हैं तो अभी जो बॉन्ड है ये इशू कहाँ से होगा तो इशू किया जाएगा इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ख़ैर ये 2018 की बात है कुछ नए बदलावों पे हम बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं तो इसको 18 में लेकर के आए अब ये एक अल्टरनेट था किस चीज़ का कैश डोनेशन का था कि अब हम खुदरे में डोनेशन नहीं देंगे अब हम कैसे डोनेशन देंगे एक फॉर्मल तरीके से एक फिनांशल इंस्ट्रूमेंट के तरीके से इसको आप डोनेशन दे सकते हो इसके अलावा जो डोनर है वो किसी भी ऑथोराइज ब्रांच से किसके ऑथोराइज ब्रांच से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑथोराइज ब्रांच uh, uh, से इस बॉन्ड को ख़रीद सकता है कैश uh, दे सकता है या डिजिटल पेमेंट कर सकता है या चेक के थ्रू वो उसको दे सकता है अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये लोग क्या करेंगे ये लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकेश कराएगी पंद्रह दिन के अंदर मतलब अगर आज उसको ये बॉन्ड मिला है किसी एक व्यक्ति ने एक बॉन्ड खरीदा है कितने भी रुपए का खरीदा हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद दिया तो अगले पंद्रह दिन के भीतर जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बॉन्ड दिया गया है वो उसको इनकैश करा सकती है तो अब क्या हुआ कि हमने तो बॉन्ड के तहत में लिया और अब उनके पास वो पैसा पहुंच चुका है इसके साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लोग <coughs> इशू कर सकते किसको uh, ये जो बॉन्ड है ये सिर्फ उन्हीं पोलिटिकल पार्टी को इशू किया जा सकता है जो सेक्शन ट्वेंटी ए किसका सेक्शन ट्वेंटी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइनटीन के तहत सेक्शन ट्वेंटी 29 ए में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज लिस्टेड है उन्हीं पोलिटिकल पार्टीज को ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया जा सकता है तो ये तो खैर दो की बात हो गई इसमें कुछ नया है नहीं अब नया क्या है वो है अमेंडमेंट तो उस अमेंडमेंट के बारे में हम बात करेंगे अमेंडमेंट इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो क्या है अमेंडमेंट क्या क्या नई चीजें आई है तो पहला ये समझिए किसी भी मुद्दे को जानने से पहले कि उसका एक आइडेंटिटी जो बेसिक आइडेंटिटी होती है उसको जानना जरूरी है किसने इशू किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों इशू किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है क्योंकि इसमें पैसे की बात हो रही है बॉन्ड जेम्स बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा

Uh, जो कि नवंबर नाइन से शुरू हो रहा है तो इसमें ये चीज़ ये अमेंडमेंट क्या था अमेंडमेंट ये था कि स्टेट uh, गवर्नमेंट या यूटी जहाँ पर लजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शन में पैसे चाहिए होते किसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भैया अपना प्रचार करेंगी प्रसार करेंगी तो उसके लिए पैसे चाहिए अब पैसे तो आप बॉन्ड के तहत दे रहे हो हो सकता है किसी का मन करे किसी का मन ना करे तो इसके लिए क्या, क्या किया कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पड़ी हुई हैं तो वो इसको अगले पंद्रह uh, दिनों के लिए इसको और इशू कर सकती है इसको सेल करेगी ठीक है उसको क्या करेगी सेल कर देगी सेल में यह होगा कि जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको खरीदना है वो उसको खरीद सकती है और अपने पास उस पैसे को रख सकती है और उसको खर्च कर सकती है तो यह एक नया अमेंडमेंट इलेक्ट्रल बॉन्ड में हुआ है इसके अलावा इससे पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता था वो कब तक के लिए होता था कि इन अ पीरियड ऑफ टेन डेज ईच इन दी मंथ्स ऑफ जनवरी मतलब जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर सो हर एक महीने में आप दस दिन दस एक्स्ट्रा दिनों के लिए आप उस वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा वो आपके पास अवेलेबल रहेगा तो ये इस अमेंडमेंट से पहले की बात थी इसके अलावा जो अमेंडमेंट है इसने क्या किया है अडिशनल पंद्रह दिनों के लिए बॉन्ड को सालाना एनुअल मोड में सालाना इसको सेल uh, मोड में डाल दिया है कि सालाना यदि कोई भी पोलिटिकल पार्टी Uh, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड चाहती है तो वो उसको ख़रीद सकती है तो अग, अग, उसको एक्स्ट्रा फिफ्टीन डेज मिलेगा तो इसमें यह होगा कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी जो कि स्टेट लेवल पर या यूटी लेवल पर है या वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसके लिए उनको पैसों की कमी को पूरा किया जा सके तो ये एक नया अमेंडमेंट आया है इलेक्टोरल uh, बॉन्ड के तहत अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें पिटीशन फ़ाइल की गई है क्योंकि, क्योंकि करप्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और ऐसा होता है कि हर किसी ना किसी स्टेट में सालाना कोई ना कोई इलेक्शन हो ही जाता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि स्टेट और सेंट्रल लेवल का इलेक्शन एक साथ होता है तो हर साल कहीं ना कहीं आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा उसके अलावा गुजरात में अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं तो हो सकता है कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया हो बहुत सारे मुद्दे हैं इस पर आप अपनी नज़र बिठाए रखिए बहुत सारी चीज़ें और जानने को मिलेगी क्या होता है इस फ्री में उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे जो, जो भी इसमें कुछ नई चीज़ें आती हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में हम इसके आगे और भी नई खबरों के साथ आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे